आप है स्वाद बनारसी के साथ और आप इस अंत में जानिए जिलाधिकारी से ताज़ा हालात। बात की शुरुआत हो उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जानिए ठेरों बातें जिसे आपको जानना चाहिए। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी जनपद में BHU से प्राप्त सैंपल की रिपोर्ट्स के अनुसार 5 नए लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 5 का संबंध दिल्ली की जमात या उनके व्यक्तियों से है। इनमें से 3 व्यक्ति क्रमशः मदनपुरा निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति, हैदराबाद निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति व नक्की घाट निवासी 70 वर्षीय व्यक्ति जमात में शामिल थे। इन तीनों का पहला टेस्ट नेगेटिव आया था, पर पुनः टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव। इन तीनों पॉजिटिव को अब वापस दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2 और व्यक्ति, एक 19 वर्षीय लड़का तथा एक 21 वर्षीय लड़की हैं। ये दोनों पांडे हवेली के एक ही घर के निवासी हैं। जमात में शामिल तेलंगाना की 5 महिलाएं इनके घर 2 दिन तक रुकी थी। जमात के लोग जिस भी मस्जिद या घरों में रुके थे उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई थी, इसी के अंतर्गत इनके सैंपल लिए गए थे। नक्की घाट निवासी के अलावा 4 केस मदनपुरा के हॉटस्पॉट से ही संबंधित हैं। पांडे हवेली और जमात के नए पॉजिटिव व्यक्ति का घर और मस्जिद इस हॉटस्पॉट के बफर जोन में है तथा कुछ दिन पूर्व लगवाई गई बैरिकेडिंग के अंदर ही है। पहले से मदनपुरा हॉटस्पॉट में 1 स्थानीय और 1 कर्नाटक का जमात में शामिल व्यक्ति, कुल 2 केस पॉजिटिव थे। अब ये 4 भी उसी हॉटस्पॉट में शामिल है। इससे इस हॉटस्पॉट के कुल पॉजिटिव केसेस बढ़कर 6 हो गए हैं। अब नक्की घाट नया हॉटस्पॉट और बफर जोन बनाया जा रहा है। इसको मिलाकर कुल हॉटस्पॉट व बफर जोन 5 हो जाएंगे। अब वाराणसी में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 14 हो गई है, जिनमें 5 केस ठीक हो गए हैं, 1 की मृत्यु हुई है और 8 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन जरूरी जानकारियों के संदर्भ में जिसे आपको जानना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिचितों का खूब ख्याल रखिए। एक निवेदन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब करिए ताकि आप भी रहिए अपडेट।